सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं श्वेत एंड आप सभी देख रहे हैं यूट्यूब चैनल श्वेत मिश्रा। सो ये व्लॉग है बहुत दिनों बाद का, जैसे कि आप देख सकते हो अभी मैं करंट टाइम में अपने घर में हूं एंड अब मैं यहां से निकल रहा हूं रिवर टू दिल्ली। जी हां गाइस, सही सुन रहे हो, मैं दिल्ली जा रहा हूं एंड 3 महीने शायद मैं वहां रह सकता हूं। सो जितने भी व्लॉग्स होंगे अब डेली वीडियो आएगी तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, और एक टेक वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि डेली बना करके आप लोगों के लिए अपलोड करूं। सो प्लीज़ वीडियो को फुल देखना एंड ये दिल्ली का व्लॉग एंजॉय करना। एंड यहाँ पे पापा भी हैं जो कि रेडी हो चुके हैं मेरे साथ जाने के लिए, मम्मी यहाँ पे बैठी हुई हैं और अब मैं दिल्ली के लिए निकलने वाला हूँ। सो चलो चलते हैं एंड देखते हैं आगे क्या होता है। सो गाइस यार, फाइनली मैं ट्रेन में आ चुका हूँ एंड ट्रेन में मेरे को सीट भी मिल चुकी है, तो चलो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइज, ये है मेरी 70 नंबर की सीट एंड हमारा फेवरेट नंबर है 7, तो 70 की हमें सीट मिल गई है एंड यहाँ पे हम लोग बैठ सकते हैं। विंडो सीट नहीं मिल पाई है बट ठीक है, बट स्लीपर मैंने बुक करी है क्योंकि ट्रैवल लंबा है, रात भर का टाइम लगना है एंड बैठे बैठे तो काम चलेगा नहीं, सो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है। सो अब बस कुछ ही टाइम में ट्रेन चलने वाली है, अराउंड 10 मिनट अब बाकी है एंड उसके आगे का सफ़र आप मेरे साथ एंजॉय करोगे। सो जस्ट वीडियो को वॉच करते रहो एंड थोड़ा बाल बिखर गए हैं बिकॉज ऑफ मैंने बाइक चलाते टाइम हेलमेट लगाया था एंड मेरे साथ अभी पापा हैं जो कि घर साइड निकल लाएंगे। सो पापा अभी बात कर रहे हैं भैया से, भैया कॉल आया था, हेलमेट पापा ने ले लिया है एंड बाइक चलाते हुए मैं आया था, बट पापा घर चले रहेंगे एंड मैं दिल्ली निकल लाऊंगा आज। सो आगे का व्लॉग एंजॉय करो। यार फिलहाल अभी मानिकपुर जंक्शन पहुंचने वाले हैं एंड मानिकपुर जंक्शन के बाद प्रयागराज में ट्रेन कुछ टाइम तक रुकेगी एंड ये टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा होगी, तो देखते हैं आगे क्या होगा। इसमें एक्साइटमेंट तो इसे नहीं बोलूँगा बट कुछ तो है, कुछ करने की शुरू है, जो कि मस्ती है अच्छी खासी, कुछ ना कुछ तो हो रहा है एंड आगे देखो क्या होता है। फिलहाल मैं यहाँ स्लीपर में लेटा हुआ हूँ जो कि आप चले देख सकते हो एंड काफ़ी कुछ तो भी चल रहा है ना, तो काफ़ी कुछ चलने देते हैं एंड ट्रेन तो चल ही रही है, रात भर का ट्रैवल है, सुबह अराउंड 7 या 8 बजे और अगर ज़्यादा लेट हुई तो 9 बजे भी ट्रेन पहुंच सकती है। इसका कोई चार्ट प्रिपेयर्ड टाइम नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि प्रयागराज में कितने टाइम तक ट्रेन रुकती है एंड उसके बाद कई जंक्शन भी रुक सकती है। मेरा फर्स्ट ट्रैवल है तो मेरे वो ज़्यादा डिटेल नहीं है क्योंकि रिवर टू दिल्ली का ट्रैवल मेरा फर्स्ट टाइम अकेले ट्रैवल करना पड़ रहा है मेरे को। अदरवाइज आज तक मैंने जितने ट्रैवल करे हैं इसका ब्लॉग तो नहीं बनाया, बट हाँ एक चीज़ है कि काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा फर्स्ट ट्रैवल पे एंड इसके रिगार्डिंग जो टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी वो भी दूँगा। एंड आज रात को तो मेरा जागरण करने का प्लान है बिकॉज ऑफ हम सो नहीं सकते, होता क्या है बेसिकली कि रात को जो पैसेंजर सो जाते हैं वो अपने सामान की सेफ्टी नहीं कर पाते एंड जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक बैग है एंड यहाँ पे वाटर बॉटल्स वगैरह है, तो ये भी मैंने रखा हुआ है अपने लिए एंड कुछ चिप्स के पैकेट से है तो अभी तो नहीं खाए हैं, लेकिन जब खाएंगे तो आपको थोड़ा सा लंच आएंगे ज़रूर। एंड काफ़ी कुछ है जो मैं करना चाहता हूँ दिल्ली में, मेरा क्या प्लान है अभी मैं आपको इसका कुछ नहीं बताने वाला हूँ, बट एक चीज़ मैंने हिंट दिया है, वीडियो डेली वाइज आएगी, चाहे मैं जैसे वीडियो डालूँ लेकिन वीडियो तो आएगी। ये चीज़ तो देखो कंपलसरी है कि वीडियो तो आनी ही आनी है, ठीक है। तो अब देख लो मेरे बैकवर्ड का क्या हाल है एंड किस हालत में अभी करंट में मैं लेटा हुआ हूँ। गाइस मैं यहाँ पर लेटा हुआ हूँ डायरेक्टली इस तरीके से एंड यहाँ पे नीचे पैसेंजर जो है वो बैठे हुए हैं एंड काफ़ी कुछ चल रहा है, बस चल रहा है एंड काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी इस ब्लॉक में।
एस यू नो डैट आपने अभी तक एक्सपेक्ट नहीं करा होगा, बट मैंने बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रखा है एंड मेरी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। काफ़ी टाइम बाद मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाऊंगा जिसे आप पहले मिल चुके हो एंड इस ब्लॉग पे भी मिलना ज़रूर चाहोगे। तो ये रीवा से दिल्ली का टूर प्लान कैसे बना, तो सबको पता है कि अभी छुट्टी चल रही है, एग्ज़ाम्स वगैरह सबके हो चुके हैं राइट। कुछ ऐसा है कि कॉलेजेस के अभी नहीं हुए हैं, सिर्फ कुछ कॉलेजेस के। तो मेरा एग्ज़ाम भी बेसिकली हो चुका है, तो यार अब 3 महीने मैं घर में तो नहीं बैठ सकता क्योंकि घर के काम की वजह से मैं काफ़ी वीडियो शूट नहीं कर पा रहा हूँ एंड इतनी बेकार नॉइज़ के लिए यार सॉरी। बिकॉज ऑफ ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है तो थोड़ा नॉइज़ का तो ऐसा है कि प्रॉब्लम आएगा आपको, मैं ये चीज़ श्योर होकर बोल रहा हूँ कि आपको नॉइज़ का तो प्रॉब्लम आएगा। मैं ट्राई करूँगा कि एडिटिंग से इस नॉइज़ कैंसिलेशन का मैं कुछ कर सकूँ, नॉइज़ को मैं रिमूव कर सकूँ, नॉइज़ कैंसिलेशन यूज़ कर सकूँ, बट एक हद तक अगर हो पाता है तो करेंगे, अदरवाइज गाइस ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि मैं कर पाऊँ पूरा। तो एक चीज़ और मेरे को लग रही है यहाँ पे कि ट्रैवल तो अच्छा खासा लंबा टूर है एंड मेरा जो है कि वीडियो रिकॉर्ड करते करते ना स्टोरेज होने वाली है फुल। मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि मेरी स्टोरेज होने वाली है आज फुल, बिकॉज ऑफ एक ही ब्लॉग मैं डाल सकता हूँ। तो ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना करूँ उसका ट्राई करूँगा, बट जितना लंबा हो सकता है यार वो तो बेसिक की बात है, जो ऑब्जेक्शन में वो तो होना ही होना है। मैं चाहे कितना भी कुछ भी कर लूँ बट वो जो चीज़ होनी है मतलब होनी है। तो काफ़ी कुछ मज़ा आएगा इस ब्लॉग में एंड चलो अब चलते हैं एंड प्रयागराज में मैं अब आपसे मिलता हूँ। सो गाइस यार रात के बज चुके हैं 1 एंड हम लोग कानपुर ऑलमोस्ट रीच कर चुके हैं। मैं लगातार जागे हूँ सो इसका मेरे ऊपर कोई स्पेशल इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है, साथ थोड़ा बहुत इफेक्ट है जो कि मैनेज किया जा सकता है एंड काफ़ी लोग नहीं ऑलमोस्ट 99% लोग सो चुके हैं। तो ये एक टाइम होता है जब कोई भी अननोन पर्सन आकर के चोरी कर सकता है, लूट मार की वारदात कर सकता है। सो ऐसे टाइम पे सोना मैं जानता हूँ कि ट्रेन में प्रेफरेंस होता है, बट सोने से आपका लॉस भी हो सकता है। तो इस चीज़ को सबको ध्यान में रखना चाहिए ट्रैवलिंग टाइम पे, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो एंड अगर 2-3 लोग हो तो आप 2 लोग सो सकते हो, किसी एक को जागने के लिए छोड़ सकते हो ताकि वो आपके सामान का पूरी तरीके से हैंडल विद केयर करें। एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है सो तब तो आप एक एक करके सभी लोग सो सकते हो, जाग सकते हो एंड 2-2 लोग करके सभी लोग सो सकते हो, सो कोई दिक्कत की इसमें बात नहीं आएगी राइट। एंड अभी कानपुर के आगे हम लोग आ चुके हैं एंड अभी भी 400 किलोमीटर बाकी है, 427 किलोमीटर है समथिंग। सो चलो चलते हैं एंड अब मैं डायरेक्टली आपको मिलूँगा सुबह के 4 या 5 बजे के बाद अराउंड, जैसे ही आनंद विहार टर्मिनस के 100 किलोमीटर पहले रहेगी ट्रेन, मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक लिए जस्ट वेट करो एंड एंजॉय करो इस ब्लॉग। सुबह यार सुबह का टाइम है और हम लोग पहुंच चुके हैं अलीगढ़ जंक्शन के आगे, डिपार्टमेंट हो गया है, ट्रेन का डिपार्टमेंट हो चुकी है यानी चल चुकी है एंड अब जस्ट हमें बाकी है 115 किलोमीटर के समथिंग, तो इसका रेशियो अब कम हो गया होगा अराउंड 5 किलोमीटर तक, तो 110 किलोमीटर हमें और जाना है आनंद विहार टर्मिनल। सो अब डायरेक्टली मैं आपको मिलूँगा इस ब्लॉग पे आनंद विहार टर्मिनल। तो गाइस यार फाइनली मैं नीचे उतर आया हूँ और डायरेक्टली ये सारा मेरा लगेज है, तो लगेज यहाँ पे रखा हुआ है एंड 10 किलोमीटर बाकी है आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुँचने, रेलवे स्टेशन तो उसे बोल नहीं सकते हैं क्योंकि आनंद विहार दिल्ली का मेन जंक्शन है रीवा टू दिल्ली के लिए। तो आनंद विहार जंक्शन में पहुँचते हैं एंड उसके बाद सामान वगैरह उतार करके लगेज उतार करके आप उससे मिलते हैं। तब तक के प्लीज़ वेट करो एंड ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता।
सो गाइस यार फाइनली मैं यहाँ पे रेलवे स्टेशन पहुँच चुका हूँ एंड अराउंड मेरे को अभी मैं 6:40 में पहुँचा था और करंट टाइम पे अभी मेरे को 50 मिनट से ऊपर हो चुका है बिकॉज ऑफ अभी जो टाइम है वो 7:22 हो रहे हैं तो 50 मिनट प्लस तो हो ही चुका है। 7:40 को मैं उतर 6:40 को सॉरी मैं उतर गया था एंड उसके बाद से अभी मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ उस पर्सन का आने का जो कि मुझे यहाँ दिल्ली में लेने आएंगे। सो कौन आएगा क्या होगा ये सब आपको दिखाएंगे। सो जस्ट ब्लॉग पे बने रहो एंड चलो चलते हैं देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है तो प्लीज़ मस्ट शेयर विद चैनल की वीडियो का लिंक वीडियो को शेयर मारो एक लाइक मार दो एंड सब्सक्राइब आपके ऊपर डिपेंड करता है अगर अच्छा लगा वो ब्लॉग तो कर दिए ना अदरवाइज नहीं लगता है तो मत करना आपको फोर्स नहीं कर लगाता। बट मैं एक चीज़ तो जानता हूँ कि जो बंदा पैसा दिखाता है ना ये बात है रियलिटी है कि जो बंदा पैसा दिखाता है आज शेट पे ऑडियंस उसी को सपोर्ट करती है बट जो कॉन्टेंट बनाता है सही काम करता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो बोलने का बेफालतू में कोई मतलब निकलेगा नहीं। वैसे भी मेरे को भरोसा है कि जितने लोग मुझे देखते हैं वो अच्छे हैं वो सब्सक्राइब कर ही देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जैसे ही आता है कोई बंदा मुझे लेने मैं आपके साथ शेयर करता हूँ सब कुछ। तो चलो वेट करते हैं तब तक। सो गाइस यार हमारे ये महानुभव आ चुके हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे को जूम करना पड़ रहा है बट जूमेशन भी हमारे फ़ोन का तगड़ा है तो थोड़ा बहुत तो जूम कर ही सकते हैं। महानुभव की स्टाइल मारते हुए आ रहे हैं क्योंकि तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी एडजस्ट करना पड़ता है बिकॉज ऑफ क्या करें हम बहुत ज़्यादा एडजस्टेबल हैं और आ चुके हैं हमारे सरदार मारेगा क्या वंश चल बहुत ज़्यादा हो रही है तो आ चुके हैं महानुभव अब निकलते हैं हम। सो गाइस डे सेकंड नहीं है डे थर्ड है सॉरी मैंने कल भी कोई व्लॉग रिकॉर्ड नहीं करा एंड नहीं व्लॉग को मैं एंड कर पाया क्योंकि बहुत थक गया था फिर सो गया उसके बाद तो सोता ही रह गया दिन भर शाम को थकावट ज़्यादा लग रही थी तो कोई व्लॉग मैंने कुछ खास रिकॉर्ड करा नहीं। और अभी मैं और भैया जा रहे हैं फिलहाल छोले कुलचे लेने इफ पॉसिबल दिन मिल पाएगा या नहीं मुझे नहीं पता तो चलो चलते हैं। तो आज छोले कुलचे मिला नहीं है बट हमने मैगी ले ली है एंड भैया अब ड्यूटी पे जा रहे हैं और मैं अभी रूम पे निकल रहा हूँ। आज शाम का कुछ प्लान है सो प्लान में क्या होने वाला है अभी नहीं बताऊँगा ये मिलेगा आपको नेक्स्ट व्लॉग पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद वंदे मातरम।